हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि फेब के बाकी महीने में क्या होने वाला है, आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। आज है 25th of February 2023। लेट्स सी कि जो बाकी के 3 दिन हैं उसमें इंक्लूडिंग आज आपकी ज़िंदगी में क्या हो सकता है, आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है। सो इस रीडिंग में हम अर्कल कार्ड्स भी ऐड करेंगे, कलर कार्ड्स भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल वीर है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने आने वाले 3 दिन के अंदर अपनी लव लाइफ में। लेट्स बिगिन। द मैजिशियन, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, मैजिकली आपके हक में बेहतर हो सकती है। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि पॉजिटिव चेंजेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स, अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस, अनएक्सपेक्टेड रिकन्सिलिएशन, अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल, अनएक्सपेक्टेड यू नो, अगर वर्क से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वो भी वर्कआउट हो सकती है। मुझे लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली कुछ अच्छा, कुछ मैजिकली कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लव लाइफ में मेजॉरिटी लोगों के लिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर यू नो, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि लव लाइफ में कमिटमेंट, या फिर जिनकी लव लाइफ कमिटमेंट जो अफेक्टेड है वो इसलिए है कि उसमें फाइनेंसिस कहीं इन्वॉल्व है, चाहे वो आपके एंड से हैं चाहे वो पर्सन के एंड से हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के भी अगर इश्यूज़ रहे हैं आपकी लव लाइफ में, जहाँ पर पर्सन के काम की वजह से या फिर आपके खुद के काम की वजह से या फिर फाइनेंशियल डिफरेंसेस की वजह से अगर कोई इश्यूज़ रहे हैं लव लाइफ में, तो मुझे लगता है कि वो भी रिजॉल्व होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे सबसे जो यू नो डोमिनेंट एनर्जी लग रही है वो मेजॉरिटी लोगों के लिए, मुझे लगता है कि अगर मनी से रिलेटेड कोई मसला था या मनी से रिलेटेड कोई यू नो ऑब्स्टिकल था आपकी रिलेशनशिप में अपने पर्सन के साथ, तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, एंड द हैमर। अच्छा, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए अगर आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट था अपने काम को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, या फिर वो यू नो इंडिपेंडेंट होना चाह रहा था, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता था, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी हद तक उसका जो विश है, डिज़ायर है, वो पूरी हो चुकी है। और जो कि जिसका इम्पैक्ट आपकी लव लाइफ पे इस तरह से होगा कि पर्सन आपको अप्रोच करेगा, पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। अनएक्सपेक्टेड इसलिए होगा क्योंकि आप शायद गिवन सर्कमस्टांसिस में कुछ अच्छा होता है देख नहीं रहे हो। आपको नहीं पता कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपको नहीं पता कि क्या चीज़ें उसको रोक रही हैं। और जब ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा या रीच आउट करेगा, जब यू नो कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करेगा, तो बहुत अनएक्सपेक्टेड रहेगा आपके लिए टू रिसीव दिस मैसेज इवन। लेकिन आपको होप जो है वो डेफिनेटली दिखना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आने वाले जो ये दिन है उसमें आपको यू नो उसमें आपको होप तो दिखेगी, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा फियर ज़रूर रहेगा कि जैसे यू नो अच्छा तो हुआ है कुछ, यू नो एक अच्छी चीज़ तो होगी कुछ, लेकिन आपको फियर होगा कि व्हाट इफ़ यू नो नेक्स्ट मोमेंट में फिर से ख़त्म हो जाए जो खुशी मिली है आपको। सो कहीं ना कहीं आपको खुशी छिन जाने का एक वो फियर रहेगा फॉर सम रीज़न। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। अच्छा, मेजॉरिटी लोगों के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जो भी आपको गुड न्यूज़ मिल रही है, जो भी आपको आपकी विश या डिज़ायर पूरी होती दिख रही है नेक्स्ट यू नो रिमेनिंग मंथ ऑफ फेब्रुअरी में, यानी कि आने वाले 2-3 दिन में, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पास रखो इस गुड न्यूज़ को, ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करो। क्यों? क्योंकि जितने लोगों से आप शेयर करोगे, चांसेस हैं कि जो आपको डर है, जो फियर है, वो पूरा हो जाए। सो मेक श्योर कि आप अपनी खुशी अपने पास रखो, अपने तक रखो, ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कोई भी, यू नो स्पेशली अगर आपकी लव लाइफ स्टक थी और आपको एक सडन एक होप दिखती है, एक पर यू नो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, प्रपोजल आ जाता है, कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड जो आप यू नो डिज़ायर करते हो और आपको मिलने लगा है या मिल गया है या आपको उसमें उम्मीद दिख रही है कि मिल जाएगा, आपको ये खुशी, ये डिज़ायर यू नो जब तक हो नहीं जाती है, यू नो पैन आउट कम्प्लीटली नहीं हो जाती, आपको अपने
रियलिटी में दिखती नहीं है तब तक आप किसी से शेयर नहीं करो। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको नज़र लग सकती है या आपकी खुशी को नज़र लग सकती है, उसमें काफ़ी हद तक जो फियर है आपका वो काम दिखाएगा अगर आप यू नो ऐसा होने देते हो। सो इट्स बेटर कि अगर आप चीज़ें अपने तक रखो, जब ये हो जाए तो फिर लोगों से शेयर करो। बट यस, मुझे लगता है कि यू नो अनएक्सपेक्टेड जो शिफ्ट्स हैं आपकी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में वो बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो मैसेज है, जो न्यूज़ है, जो गुड गुड यू नो एक ब्लेसिंग मैं कह लूँ, जो आपकी आपकी लाइफ में एक गुडनेस लेकर आ रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ आपकी ज़िंदगी में आएगी। यू नो ऐसा नहीं होगा कि आ रही है और चली जाएगी। बट येस, हैविंग सेड दैट, आपका जो फियर है अगर आप उसको स्ट्रांग होने देते हो और आप किसी से शेयर करते हो तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। सो ट्राई कि आप नेगेटिव एक तो ना सोचो, और अगर सोच भी रहे हो तो कोशिश करो कि ख़ुद को भी प्रोटेक्ट करो, अपनी एनर्जीज़ को भी प्रोटेक्ट करो, और अपनी जो भी आपकी डिज़ायर पूरी होती दिख रही है उसको भी प्रोटेक्ट करो। ज़्यादा लोगों से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, आपके लिए वो यू नो कंटेन कर पाना हैप्पीनेस अंदर ही मुश्किल रहेगा, और आपका दिल करेगा कि आप शेयर कर जाओ, किसी को तो बताओ कि ऐसा हुआ है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप नहीं करो, किसी को नहीं बताओ, चाहे लोगों को जो मर्ज़ी लगता है लगने दो। आपने अपने तक रखनी है चीज़ जब तक वो पूरी नहीं हो जाती है। आप में से हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, या फिर ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है वो आपको प्रपोज़ कर दे, और ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो आपके लिए ये मानना और यू नो ये सुनना कि वो अपनी फैमिली भेजना चाह रहा है आपके पास, या आपकी फैमिली को इनवाइट कर रहा है, जो भी सिनेरियो होता है आपके लिए, वो इतना एक अनरियलिस्टिक सा लगेगा आपको। लेकिन अगेन, अगर आप अपने आप को अपने तक चीज़ें रखते हो, और अगर ऐसा यू नो जब तक हो नहीं जाता आपने ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करना। मेक श्योर कि यू कीप दैट हैप्पीनेस टू योर सेल्फ। लाइट बहुत यू नो ज़्यादा वो हो गई है, डार्क हो गया है। लेट मी टर्न द लाइट ऑन। बट यस, फॉन्स का कार्ड है। सो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग अनएक्सपेक्टेडली या एक्सपेक्टेडली जो है उनकी यू नो शादी, एक सेकेंड में लाइट ऑन कर सो मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिनकी अनएक्सपेक्टेडली कुछ जो है, मुझे लगता है कि कोई इंगेजमेंट या यू नो ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे फैमिलीज के साथ मीटअप हो जाए, शायद आपका ऐसा कुछ सिनेरियो डेवलप होते मुझे दिख रहा है कि आने वाले यू नो रिमेनिंग मंथ ऑफ फरवरी में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। पर अगेन, कीप इट टू योरसेल्फ, जो भी होता है अपने तक रखो, ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करना। जब हो भी जाता है तो कोशिश करो कि ज़्यादा लोग जो स्पेशली अगर एनवियस होते हैं या यू नो आपको लगता है कि नेगेटिविटी आ सकती है कुछ लोगों की एंड से, कोशिश करो कि उस गुड न्यूज़ को अपने तक रखो, अपने क्लोज लोगों तक रखो जो कि आपको खुश देख के खुश हों। सो लेट्स सी कि कलर कार्ड्स कौन से हैं आपके लिए आने वाले टाइम में, कौन सा कलर आपके लिए लकी रह सकता है, सिग्निफिकेंट रह सकता है। वाइट कलर आपके लिए लकी रह सकता है। लाइटन अप, इट्स टाइम फॉर यू टू लाइटन अप। कोशिश करो कि आप यू नो वाइट कपड़े पहनो अगर आप पहन सकते हो, या यू नो जैसे अगर आप कोई डिफरेंट कलर के भी पहनते हो उसमें वाइट का यूज़ अगर आप कर सको, चाहे वो किसी भी तरह से हो, वाइट कलर उसमें अगर थोड़ा सा भी है तो आपके लिए सही रहेगा। नंबर 24 आपके लिए लकी या सिग्निफिकेंट नंबर रह सकता है। सो वाओ, मुझे लग रहा है कि जैसे आपके साथ या आपके पास आपके प्रेजेंस में कुछ डिवाइन प्रेजेंस भी है, एंजेलिक सपोर्ट कह लो, एंजेलिक बीइंग्स कह लो, स्पिरिट कह लो, स्पिरिट गाइड्स कह लो, कुछ ऐसा आपके साथ रहेगा इस रिमेनिंग मंथ ऑफ फरवरी में, और आपको शायद ये प्रेजेंस फील भी हो कुछ लोगों को, स्पेशली अगर आप मेडिटेशंस करते हो, आपको उस मेडिटेशन में एक यू नो जैसे होता ना कि आपको फील होता है कि कुछ है आपके आसपास। अच्छा, यहाँ पे अगर यू नो आप में से वो लोग जो राइट नाउ अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और यू नो अपने आप को और क्लोज फील करना चाहते हैं विद योर रब, आई वुड सजेस्ट कि विद योर इनर यू नो गाइडेंस एज वेल, या किसी भी तरह से आप अपने आप को अलाइंड रखना चाहते हो अपने रब के साथ, अपने यू नो अपने गॉड के साथ कनेक्टेड रखना चाहते हो, आई वुड सजेस्ट कि मेडिटेशन वाइट कपड़ों में, उसके साथ साथ वाइट कैंडल लाइट करो अपने रूम में, और वाइट कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो आने वाले रिमेनिंग यू नो जो दिन है उसमें।
आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. उसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपको प्योरिटी, क्लैरिटी दिखेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी सिचुएशंस में, कंडीशंस में. आपके लिए अच्छा रहेगा उस यू नो उस एम्बियंस में कोई भी मेजर डिसीजन लेना. सो आपके लिए काफ़ी हद तक वो डिवाइन गाइडेंस रहेगी और चीज़ें काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड भी रहेंगी. सो यू कैन डू दैट. उसके अलावा ओरेकल कार्ड्स देखते हैं और आपको क्या करने की ज़रूरत है गिवन सर्कमस्टांसिस में. लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए. स्पीक आउट, कम्युनिकेट एंड सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स. आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो यू नो कम्युनिकेशन आ रही है, मैसेज आ रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है. मुझे लगता है कि अगर कोई पास पर्सन भी था तो तब भी जो आपकी कम्युनिकेशन है, जब आप लोगों की बातचीत होती है तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफाइड हो जाएंगी और आप लोगों के लिए डिसीजंस बनाना इजी रहेगा और आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो इश्यूज थे, वो रिजॉल्व हो जाएंगे. अगेन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए फाइनेंसिस कुड हैव बीन द रीज़न, बट इट कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. बट येस, मुझे लगता है कि ओपन कम्युनिकेशन जो है वो डेफिनेटली आएगी. और जब आपकी पर्सन से बातचीत होती है तो मेक श्योर कि यू कीप इट यू नो क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट विद योर पर्सन. हैप्पी लाइफ, लिव अ लेस गार्डेड लाइफ. मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए अब वो टाइम आने वाला है जहाँ पर यू वुड बी लिविंग अ लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, टू बी ऑनेस्ट. और आपको लगेगा कि अब सब कुछ परफेक्ट हो गया, अब आपको कुछ भी यू नो किसी भी तरह से अपने आप को यू नो अ सर्टन वे में रखने की ज़रूरत नहीं है. सो मुझे लगता है कि योर हैप्पी लाइफ इज़ गोइंग टू कम. मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए इट्स गोना स्टार्ट विद इन द यू नो द नेक्स्ट 3 days. बट एटलीस्ट आपको वो होप, आपको वो पॉजिटिविटी ज़रूर दिखेगी मेजॉरिटी लोगों को, जिससे आपकी ज़िंदगी में आपको पता होगा कि एटलीस्ट अगर फेब के महीने में कुछ ऐसा मेजर नहीं हुआ जहाँ पे आपकी इंगेजमेंट हुई है, लेकिन जैसे कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो चीज़ें डेफिनेटली बेहतरी की तरह जाएंगी. मार्च का महीना हो सकता है कि आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहे टेकिंग थिंग्स नेक्स्ट लेवल विद योर पर्सन. सो ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय.